फायर के बारे में और सेफ्टी के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? आप लोग से हम लोग हाउस कीपिंग में हो, सिक्योरिटी में, हाँ सिक्योरिटी के लिए डार्क या फिर डार्क पे रहते हो, पोस्ट डार्क में पोस्ट पे कौन से गेट पे ही ऐसे हाँ मॉल के अंदर अपने इसके अंदर सारे फ्रीमाइज अंदर दो गेट पे आगे का पीछे का गेट सामने वाले गेट, सामने वाले गेट पे दो है और दूसरे अरे ये काउंटर पे मेन मेन गेट मेन काउंटर और यहाँ पे स्टाफ हाउस में भी कितने स्टाफ है जगह जगह पे ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये के पास ये रखे मतलब इसलिए रखे हो इसके लिए रखे हाँ आग बुझाने के लिए मगर हम लोग ध्यान देते हैं कि उसके ऊपर उसकी निगरानी रखते हैं क्या हाँ यहाँ भी हमने देखा कि पहले में अभी तक क्या होना चाहिए इसके अंदर रेडी होना चाहिए अभी इसमें क्या है रेडी और ये भी पत्थर का पेट को पत्थर हो गए इसमें सुपर पत्थर ये है हम लोग यानी ध्यान देते हैं जब भी हमारी आग लगती है तभी हमको यूज़ करना होता है तभी उसी वक्त के हम लोग अगर यूज़ नहीं कर सकते बराबर अगर रेती है रेती अगर जाम में रहते हैं तो हम लोग नहीं बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तभी हम लोग इसे इस रेती का इस्तेमाल करते हैं मगर जब भी स्विच ऑफ करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी के स्विच में स्विच मालूम है आपको या सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को मालूम है आप लोगों को मालूम है कहाँ पे स्विच होता है सिक्योरिटी को मालूम हाउस कीपिंग को हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए जहाँ पे अभी चलो यहाँ पे आग लगी है अभी यहाँ पे कौन सी लग सकती है गैस है गैस अगर लीकेज होता है तो वहाँ पे अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है वहाँ पे कोई डाल देता है तो वहाँ पे भी आग लग सकती है तो वहाँ का मेन क्या बोलते उसको स्टारवेशन बोलते हैं यानी उसको बाजू में करना है यानी कम करना आग को कम करना आग का रोकथाम करने के लिए हमको क्या करना रहेगा उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो आप लोग इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ करते हैं मेन स्विच करते हैं वैसे इसका मेन स्विच कहाँ पे गैस का क्या है बॉब है ना बॉब होता है उसको हम लोग घुमाते हैं और उसके अंदर रेगुलेटर होता है तो अभी यहाँ से मेन कहाँ पे है अंदर है ना मेन अंदर है तो मेन हम लोग वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बंद कर सकते हैं स्विच ऑफ कर सकते हैं मेन लाइन जहाँ से जाती है वहाँ पे क्या होता है एक नॉब होता है वो नॉब को हम लोग अगर क्लोज करते हैं तो क्या होता है गैस का सप्लाई जो हो रहा है वो बंद होता है और आग का रोकथाम हम लोग कर सकते हैं और आग बुझाने के लिए हम लोग इसका फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हमको यहाँ जगह जगह पे ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है ठीक है अभी आग में क्या है एक ट्रायंगल है क्या है ये ट्रायंगल त्रिकोण है आग क्या है एक त्रिकोण है तीन चीज़ों से आग लगती है कौन से तीन चीज़ें हैं बता सकते हैं आप लोग हवा पानी हाँ तीन चीज़ों से आग लगती है हीट हीट बोलते हैं हीट बोलते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं उसको और फ्यूल बोलते हैं ये तीन चीज़ें हवा यानी ऑक्सीजन और फ्यूल यानी सामग्री जिस सामग्री को आग लगाते लगने को आग लगे तो ये होगा फ्यूल में आग है हीट यानी ज्वाला अगर वो अगर साथ में है तो और ऑक्सीजन उसके साथ में है तो आग लगे हीट ऑक्सीजन और फ्यूल ये तीन चीज़ें ये ट्राइंगल है ये तीन चीज़ अगर एक साथ आती है तभी आग लगे समझ गए तीन चीज़ों में से हमने हीट निकाल दिया क्या निकाल दिया हीट निकाल दिया तो कैसे हीट निकालेंगे हम लोग कूलिंग करके हीट का ऑपोजिट क्या है हीट का ऑपोजिट कूलिंग है यानी पानी मैंने उसके ऊपर डाल दिया हम कूल गए हीट को हमने निकाल दिया वहाँ से क्या किया हमने पानी डाल दिया और क्या किया आग बुझ गई हीट को निकाल दिया यानी आग बुझ समझ गए उसके बाद में हीट के बाद में ऑक्सीजन है हमारे पास क्या है ऑक्सीजन
उसको हमने हटा दिया, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन को हटाना। हमारे पास क्या है, आग बुझ जाती है ना, क्यों बुझ जाती है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, यानी ऑक्सीजन को कट करना, ऑक्सीजन को कट करना यानी क्या करना, उसके ऊपर चद्दर ओढ़ना, उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करना, क्या करना है, ब्लैंकेटिंग करना, कहीं पे आग लगी है, हमारे पास ब्लैंकेट है, जो फायर प्रूफ ब्लैंकेट हमने उसके ऊपर डाल दिया, क्या हुआ, आग बुझ गई, क्यों बुझ गई, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या मिला, नहीं मिला, क्या नहीं मिला आपको, अभी चलो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल पड़े हैं, यहाँ पे लकड़ा पड़ा, यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे एक वॉल पे आग लगी, कैसे लगी, तो वहाँ पे ऊपर का काम बेटी का काम कर, बेटी का काम ऊपर कर, बिजली का काम खाली ऊपर ही, मगर नीचे उसके फ्लेम्स गिरते हैं, बराबर उसके फ्लेम गिरते हैं, तो गिरने के बाद वो अभी जो जैसे ये रस्सी है, रस्सी को आप उसके ऊपर गिर जाएगा, पता करके आग 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 पकड़ेगा ना, बराबर पकड़ते ही नहीं, रस्सी के ऊपर, रस्सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आग ये खेलनी भी पड़ गई, तो पहले क्या होगा, चालू गोवा चालू होगा, गोवा अभी बाद में उसको हम लोग चूल पेड़ पेड़ ये करते हैं, कुकर मारते हैं, क्या करते हैं, हवा हवा छोड़ते हैं, हवा यानी ऑक्सीजन मिल गया उसको, हवा का एक अभी तो मुकद है, हवा मिल गया उसको, तो क्या होगा, वही पे आ गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आग के उसको रस्सी के साथ उसके बम्बू बम्बू सब बने, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, जहाँ पे जैसे आग लगी है हम लोग यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, तो हम लोग आग बुझा पाएंगे तो आग तो जब लगती रहेगी बढ़ती जाएगी, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वक्त पे प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, वो जगह पे वो सामग्री को पहले हटाना चाहिए, जैसे कि हमने ऑक्सीजन को हटाना यानी क्या करना है, ब्लैंकेटिंग करना, ब्लैंकेटिंग हमने कर दिया, उसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं तो ब्लैंकेटिंग करना, अभी यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि फर्स्ट एड जैसे फायर एक्सटिंग्विशर ही हमारे पास, उसके अलावा कुछ है हमारे पास, फायर हैंडल सिस्टम भी है ना, मालूम है जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है वो बुलाते हैं, फायर हैंडल सिस्टम होता है वैसे यहाँ पे ही बिल्डिंग में कहीं पर भी नजर नहीं आती, बराबर है, जैसे कि बड़ी आग लगती है तब भी हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाने के अलावा हम लोग गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग को रोकथाम करना जरूरी है, यानी ऑक्सीजन को कट करना, ब्लैंकेटिंग करना, यानी फ्यूल यानी सामग्री जो यहाँ पे यहाँ वहाँ सब जगह पे पड़ी है, वो सामग्री के ऊपर जल्दी से उसके ऊपर कुछ गिर गया, जैसे आग की फिंगी गिर गई, काम करते समय आग की फिंगी गिर गई, जैसे कोई स्मोकिंग करते करते समय बाहर आ गया, चलो हम लोग चेकिंग करते नहीं मालूम, वहाँ का अंदर से कोई आ गया, किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वापस देखेगा और वापस बुकिंग करेगा और तुरंत अपना अंदर काम करने के लिए जाए और डाल दिए यहाँ पे, कोई आप तो कोई भी आ गया या फिर होटल में, होटल में कोई भी आ गया या फिर पी लिया और अंदर गया और उसके बाद में चल रहा था, तो उसके लिए हम लोग तकलीफ में आ जाए, समझ गए, तो ये ऑक्सीजन को कट करना और फ्यूल को स्टार्वेशन करना जरूरी है, इतनी चीज़ों चीज़ें हैं जिसके वजह से आग लगती है और आग लगने के बाद हम लोग उसको रोक सकते हैं, तो कौन सी चीज़ हो गई ये, हीट, हीट को क्या करना है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट को कम करने के लिए कूलिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को कट करना है तो क्या कट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को कट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेटिंग जिससे करते हैं हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन ये फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर ए टाइप के लिए है, बी टाइप के लिए और सी टाइप के लिए, यानी जीरो टाइप के लिए, जीरो टाइप के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, आग बुझाता है, तो क्या करता है, इसमें से पाउडर निकलेगी, पाउडर निकलेगी और उसके ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर चादर की तरह फैल जाएगी और आग बुझ जाएगी, समझिए, तो ये चीज़ें साफ सुथरी रहनी चाहिए और दिखने के लिए नज़र में आना चाहिए, ये मैंने देखा है कि तो दरवाजे के पीछे रखा है वो प्रॉब्लम रखा हुआ है, उसको हम लोग देख नहीं पा रहे,
जैसे कि कोई भी हो, आग लगती है तो सामने रहे किसी को मालूम है और वो बुझाने के लिए देख रहा है, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं ले रहा। कहीं कहीं फिर क्या होता है कि वहाँ पे लिखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का नाम लिखा जाता है, लेबल लिखा जाता है और वहाँ पे टंगा जाता है, दीवार के ऊपर टंगा जाता है। तो ऐसी चीज़ वहाँ पर होना चाहिए, दिशे में विजिबल होना चाहिए, यानी हर चीज़ को, हर एक शख्स को दिखना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, इसके लिए हम लोग ब्रैकेटिंग करेंगे हम लोग और आग बुझाएंगे। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं और ये रेकी से भी बुझा सकते हैं। तो वो काम क्या होता है, ब्रैकेटिंग होता है, फिर बाद में क्या होता है, फ्यूल सामग्री को हटाना। अभी यहाँ पे सामग्री है, वहाँ पे भी सामग्री नहीं है, मगर हम लोग इसके ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो ठीक है। वहाँ पे आमने सामने देखो उन्हें दिखाई दिया, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे नहीं है, फायर की नज़र में नहीं है वहाँ पे। हम जैसे कि यहाँ जहाँ पे सामग्री है वहाँ पे हमने जैसे आगे भी है एक ये है स्पंज दिखाई दिया मुझे, जैसे कि कोई वहाँ पे आग लग सकती है, कहीं पे भी आग लग सकती है उस जगह पे, यानी सामग्री बहुत सारी सामग्री है, सिर्फ अंदर के साइड में कम है। जैसे कि अंदर जैसे मेंटेन करके रखा है वैसे वो बाहर कॉमन एरिया पे वहाँ पे मेंटेन किया नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी जहाँ पे स्टार्वेशन बोलते हैं यानी फ्यूल सामग्री वहाँ पे रखी है, उस सामग्री को अगर हम लोग हटाएंगे तो आग बुझ जाए। जैसे कि यहाँ पे आप लग रहे को आग लगी है, थोड़ा सा साइड में और कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग उसको भी बाजू कर सकते हैं। चीज़ों को बाजू करना यानी स्टार्वेशन, ये तीन चीज़ों से अगर एक भी हम लोग ने बाजू कर दिया यानी एक को भी हटा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, समझ गए। अभी देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं, मगर हमने इसके टाइप है, ए टाइप है, बी टाइप है और सी टाइप है और डी टाइप है, ठीक है। ए टाइप में क्या आएगा, टाइप ऑफ फायर है, क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर क्या है, ए टाइप में सॉलिड फायर यानी जनरल फायर यानी साधारण आग, जैसे कि ये साधारण आग है जिसमें केमिकल नहीं है, लकड़े को आग लगी है, कुत्ते को आग लगी, अभी हम लोग आग लगाएंगे वो कुत्ते को आग लगे, समझिए, तो कुत्ते को आग लगी है, कपड़े को आग लगी है, लकड़े को आग लगी है, तो ये साधारण आग कहला और वो ए टाइप में गिन जाए। तो कितने टाइप में, ए टाइप, ए टाइप ऑफ फायर। दूसरा है बी टाइप, दूसरा क्या है, बी टाइप, बी टाइप में क्या आएगा इसको मालूम है, बी टाइप में पेट्रोल की आग, पेट्रोल इंजन केरोसिन। देखो यहाँ पे आपने आकर पढ़ा रहेगा, देखो ऑयल केरोसिन और पेट्रोल लिखा गया है यहाँ पे बी, ए बी और सी। पेट्रोल डीजल और केरोसिन को लगी हुई आग को भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। फिर तीसरी आग क्या है, सी टाइप, सी टाइप यानी एक हैस की आग, एल पी जी भारत के यहाँ पे है, अगर इसको भी अगर आग लगती है कहीं पर भी लीकेज है और हमारा वहाँ पे हीट हो नहीं है तो आग लगे तो करो ऑक्सीजन वाले पे है यानी ये गैस, और दूसरा तीसरा क्या है, हीट यानी माचिस की तीवी वहाँ पे अगर चलती है और कहीं पे लीकेज है तो क्या हुआ, यहाँ पे गैस निकल गई, गैस तो हवा में उड़ भी सकता है, मगर जहाँ पे ज़्यादा करके है तो वहाँ पे क्या आग की आग का धमाका हो, समझ गए। तो उसको बुझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हमको मेन वॉल बंद करना, क्या करना पड़ेगा, मेन वॉल बंद करना। अभी ये सामग्री वहीं पे है यहाँ पे वॉल है और वहीं से ही पड़ी, समझ गए। अभी इसका एक गेट और रिफिलिंग गेट है, एक तभी चालू होता है और तभी खत्म होता है, यानी जैसे रिफिलिंग के ए बी सी है, ये 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर, कितना के जी का है, 5 kg का, और इसका रिफिलिंग डेट है 2/11/2018 और 2/11/2019 को ये खत्म होता है। इसमें एक हम लोग चेक कर सकते हैं हमेशा, ये हमेशा ग्रीन ये नीडल है, ये गेज है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो एक हरा गेज है, उसके ऊपर हरा गेज है, उसके ऊपर नीडल है, क्या है, नीडल है, जो नीडल से क्या पता चलता है, इसके अंदर प्रेशर है, क्या है, गेज जो हरे डंडी पे है इसके अंदर क्या है, अभी मौजूद क्या है, प्रेशर है, जिसके प्रेशर से अगर हम लोग ओपन करते हैं उसको लीवर को दबाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा,
लिवर पर हम लोग दबाते हैं तो इसमें से पाउडर निकले, अगर प्रेशर डाउन है, समझ गए आप लोग, समझ रहे हो क्या? ये अगर ग्रीन सिग्नल ग्रीन पे है नीडल, तो ये अगर नीचे रेड पे जाती है तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब इसके अंदर पाउडर है, मगर इसके पाउडर बाहर निकलने के लिए इसके पास क्या है, क्या नहीं है? प्रेशर नहीं, प्रेशर समझ, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर डाला गया है वो प्रेशर से पाउडर बाहर निकलती है, वो क्या है, वो बाहर निकलेगी, समझ गए? तो इसका मतलब हमको ये हमेशा चेक करना चाहिए, इसका सील चेक करना चाहिए, ताकि कोई भी इसका लीवर कोई भी नहीं दबाए, कहीं पर भी रखा दबा दिया क्या हो जाए पाउडर, समझ। तो इसके लिए हम लोग उसको एक गारंटी के लिए पिन सेफ्टी पिन डाला है और उसके बाद में ये सील लगाया हुआ, समझ गए? यानी कोई भी उसको निकालेगा नहीं और ऑपरेट नहीं करता, जब भी ऑपरेट करना है हम लोग उसी वक्त पे सील तोड़ेंगे, सेफ्टी पिन निकालेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, समझ गए? तो ये ए बी सी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है, टाइप ऑफ फायर है, जिससे हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग आग बुझाएंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ये बात भी ये रहती है बॉडी में, रहती है क्या है, रहती है, आप देख रहे हो मैं निकालूंगा तो ये पूरा जाए निकलेगा क्या, पूरा भी ऐसा टाइट हुआ, समझिए? तो इसको हमेशा निकाल के इसको बदली करके वापस इसको डालना चाहिए, जब इसको कभी कभी पानी गिरा रहे हैं, कभी पानी डाला रहे हैं, तो क्या आपको होता है, तो बदल जब भी आपका आग लगी आप लोगों को उसको भूलाना है, हम लोगों को बाली को पकड़ के रेती को जहाँ पे आग लगी वहाँ पे डालना है, तो क्या आपका निकलेगा, निकलना चाहिए। तो इसके लिए इसका भी हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए हमको प्रॉपर इसको रखना चाहिए, समझिए? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब ये एबीसी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, मेथड हमको मेथड मालूम होना चाहिए, हमको मालूम हुआ है कि अभी साधारण आग लगी है, लकड़ी को आग लगी है, ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, एक मेथड है, क्या मेथड है उसका, बी ए डबल एस, क्या है, क्या हुआ पास, क्या हुआ पास, पास का मेथड है जिससे हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर। अभी बी फॉर क्या है, बी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? पहले हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर निकालेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे निकालेंगे तो देखेंगे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सी है, इसका पिन है बराबर है, ये सेफ है और ये ग्रीन नीडल में है, तो अभी हम लोग इसको यूज करने के लिए बाहर निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ इसको कभी कपड़े से पहुँच नहीं सकते, समझ, इसको क्या करेंगे हम लोग, बी फॉर प्रेशर, बी फॉर प्रेशर तो अंदर है, बी फॉर टूल द सेफ्टी पिन, ये पिन है देखो आप, पहले क्या करना है यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पुल द सेफ्टी पिन, पुल यानी खींचना, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, खींचना पड़ेगा, क्या खींचना पड़ेगा, सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी है सील लगा हुआ है, खींचना नहीं, पहला फोन किया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, पुल द बिफोर पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को हम लोग निकालेंगे, एक बार में क्या करेंगे, उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट है, पी ए डबल एस, क्या आता है, ए यानी एम, अभी क्या करोगे, मैं तो सेफ्टी पिन निकाल दिया, अभी मैं तैयार रहूँगा क्या करने के लिए, यहाँ पे आग लगी है, मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन निकाल दिया, 5 फुट मैंने पीछे रहा, अब मैं क्या करूँगा, ये होल्स पाइप को एम करूंगा, एम यानी निशाना, एक और एम, क्या करना है मुझे, निशाना लगाना, क्या करना है मुझे, निशाना कैसे लगाऊंगा, ऐसे लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, राइट हैंड से मैंने क्या पकड़ा है, लीवर को पकड़ा है और मैंने दबाया नहीं, क्योंकि अभी सेफ्टी भी निकल जाए, दबाऊंगा तो निकल जाएगा, अगर मैं ऐसे ही रखा है और मैं दबा दूंगा तो क्या होगा, पाउडर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, निशाना कहाँ पर, निशाना ही नहीं लगाएंगे,
अरे जो पाइप नीचे है तो नीचे ही जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हेडर यूज करना है, निशाना लगाना है, दूसरा निशाना मेरा निकालना है। अगर मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया तो मैं दबा नहीं सकता, दबाऊंगा तो नीचे निकले ऐसे पकड़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने पिन निकाल दिया, बराबर है। मैंने क्या किया अभी, इस होस पाइप को निशाना लगाया, कहाँ पे लगाया, एट द बेस ऑफ फायर, फायर तो अभी आ गया, नीचे से लेके ऊपर तक लगती है, हमको निशाना कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, क्यों नीचे लगाना है, जहाँ पे आग लगी है उस सामग्री को हमको उसके ऊपर पाउडर डालना है, ब्लैकेटिंग कर, समझ गए, ऊपर फ्लेम है उसके ऊपर हम लोग को निशाना नहीं लगाना, क्या करना है हमको, एम द बेस ऑफ फायर, क्या बोलना है, एम द बेस ऑफ फायर, बेस यानी नीचे, बेस यानी नीचे, नीचे हमको क्या करना है, एम लगाना है, एम द बेस ऑफ फायर, समझ गए। ये हो गया हमारा दूसरा, क्या हुआ पहले, क्या हुआ हमने हमारा, पुल द सेफ्टी पिन, यानी पिन को हम लोग को क्या करना है, निकालना है, क्या करना है, पिन को निकालना है, उसके बाद में क्या करना है, एम यानी निशाना, एम से क्या करेंगे हम लोग, एम द बेस ऑफ फायर, क्या कि हमने निशाना लगाया, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा अल्फाबेट क्या है, पी ए डबल एस, एस आता है ना, क्या आता है, एस, एस का मतलब स्विच, क्या करना है हमको, स्विच यानी क्या करना है, दबाना है, मैंने निशाना लगाया है एम द बेस ऑफ फायर, अभी मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा, क्या करूँगा, इसको ये लीवर को क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा, क्या करूँगा, दबाएंगे, पहले क्या करना, पहले नहीं दबाना है, पहले एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में ये करना है, नहीं तो पहले मैं अगर दबाऊंगा तो क्या होगा, नीचे ही जाएगा, तो मैं वापस एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में क्या करूँगा, स्क्वीज द लीवर, क्या करूँगा, लीवर को दबाऊंगा, फिर बाद में चौथा अल्टीमेट क्या है, वापस एस आता है, क्या आता है, एस आता है, एस यानी स्वीप, आइए मैंने स्वीप यानी कि हम लोग स्वीपर ही है ना, और स्वीपिंग क्या करता है, स्वीपर झाड़ू मारते हैं, तो क्या करते हैं, स्वीपर बोलते हैं उसको, तो क्या करते हैं, कैसे झाड़ू मारते हैं, लेफ्ट राइट, ऐसे मारते हैं ना, लेफ्ट राइट, ड्राइम ऑफ वेट ऑफ कैसे मारते हैं, समझ गए, तो दाएं बाएं हम लोग को निशाना लगाने, जहाँ पे आग लगी एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, इसको दबाना है, फिर बाद में स्वीप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट हमको क्या करना है, क्या करना है, स्वीप साइड बाय साइड, यानी वो पाइप को हमको दाएं और बाएं घुमाना है, समझ गए, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, किसी को कुछ पूछना है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, आग लगने के बाद मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, हाँ कहाँ पे आग लग सकती है, हमने मेरा जॉब क्या है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहीं पे भी आग लग सकती है, आप इतनी बड़ी आग को बुझा सकते हो क्या, अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीन स्टेज है, पहले ही मैंने देख लिया धुआं ही आ रहा है, चलो उसी वक्त मैंने बुझा दिया, तो मैं पैसे भी बुझा सकता हूँ, बराबर है, पाँच टैंकर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ही कट करूँगा ना, जहाँ पे चलो थोड़ी सी रस्सी चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही बुझाऊँगा ना, या उसके लिए फायर नहीं कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं ना, थोड़ी सी चिंगारी लगी है और थोड़ा सा जल रहा है, बड़ा एकदम ज़्यादा जल गया तो क्या होगा, मैं उसके लिए मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना होगा उसी वक्त पे, अगर ज़्यादा ही जल गया तो मेरा फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, मेरे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, कितनी की हाँ हाँ ट्वेंटी फाइव की, कहाँ पर रखा है, हाँ बहुत दूर है ना, सामने भी नहीं है ना, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे फाइव केजी है, ऐसे जगह पे रखा है, अंदर रखा है, नीचे रखा है ना बेसमेंट में, तो एक को कम से कम ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा, अभी अंदर हम लोग 25 केजी का हम लोग पाउडर ही मारेंगे बाहर, तो पाउडर ही पाउडर होगा, इसमें से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा, वो धुआँ ज़्यादा होगा, ओपन में मारेंगे तो कुछ नहीं, चलो धुआँ यहाँ से बाहर गया, हमारे पास ये नहीं है, क्या एकदम है बाहर निकलेगा, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाहर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा एक फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के आग बुझाने के लिए
एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पैकेज वो तो नहीं है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसके अंदर वो गैस निकलता है, वो बहुत ठंडा रहता है। तो उस पाइप को पकड़ने के लिए हाँ यहाँ पे एकदम पूरा ठंडा होता है और हम लोग पकड़ने के लिए उसको रबर को ही पकड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसके होज को पकड़ लिया आगे तो क्या होगा? हमारा हाथ बर्फ जैसा एकदम आएगा, एकदम टाइट पकड़ेंगे, जैसे कि हम लोग वो नहीं पकड़ते। तो वो आग बुझाने के लिए, कौन सी आग बुझाने के लिए है? इसके लिए ये हम लोग नहीं यूज करते थे उसको। हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से पाउडर नहीं करते, और उसके लिए वो 4.5 kg का होता है फायर एक्सटिंग्विशर। और उसको हम लोग हम लोग ट्राई करेंगे अभी। आग लगाएंगे तो कौन लगाएगा? आग लगाने काम नहीं है। आग बुझाने नहीं तो अभी आग लगी है और हम लोग को उसको बुझाना है, ठीक है। आग बुझाने के लिए हम लोग को दिशा भी देखनी है, जैसे कि हवा कहाँ से आ रही है। हवा यहाँ से आ रही है और हम लोग ऐसे उसको बुझाने के लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ से पाउडर जाएगी, वहाँ से हवा आएगी, पाउडर वहाँ जाएगी या यहाँ आएगी? वो पे आएगी ना, तो हमको वहाँ पे जाना होगा। अभी हवा कहाँ पे है? हवा ही नहीं, हवा कम है। लगी क्या? हमारे पास क्या नहीं है? स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं, स्मोक डिटेक्टर पैनल होता है। जैसे कि स्मोक उसके अंदर गया तो क्या होगा? अलार्म बजे। तो ऐसा नहीं है हमारे पास, पता नहीं चलेगा कहाँ पे आग लगी। ये तुमने धुआं निकाल लगा दिया, आग लगा दो। ये कुठे जाए तो दूर होईल, मग आपल्याला हे होणार। आग लगला यार, क्या नहीं लगला? आग लगला बराबर पहले एक तो जले, तो एक जलेगा तो आग जलेगा, पनी तो जलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड कैसा यूज करेंगे हम लोग आग बुझा करने के लिए? हम लोग क्या हाथ में लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? फायर, फायर आलम, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, इसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश करना यानी बुझाना, फायर को यानी आग को बुझाना, इसके लिए उसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर यानी यूश यानी आग बुझाना, एक्सटिंग्विशर का मतलब समझ गए। अभी रस्सी विस्सी लेके आते तो फटाफट जलता था, समझ गए। रस्सी के ऊपर हमेशा ये नहीं होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पे इस साइड में फायर एक्सटिंग्विशर रखो आप लोग, जहाँ जहाँ पे नहीं है एक बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रख दो, जिससे कि अब आग लग गई हम लोग बुझा सकते।